मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के जयराम सरकार ने धर्मशाला के सिद्धवाड़ी के जोराबर स्टेडियम में लाभार्थी रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार को बधाई भी दी। प्रदेश की जयराम सरकार ने धर्मशाला में होने वाले उपचुनाव के लिए वोटरों को लुभाने को सरकारी खर्च पर जन आवार यानी लाभार्थी रैली कर डाली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की जयराम सरकार ने धर्मशाला के सिद्धवाड़ी के जोरावर स्टेडियम में लाभार्थी रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार को बधाई भी दी। उपचुनाव में बाहरी प्रत्याशी नहीं होने का राग अल्पाने वाले बीजेपी के धर्मशाला मंडल पर ही सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को बगल में बिठाकर जयराम ने तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम तपोवन में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान धर्मशाला से जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी उसे 20,000 से अधिक मतों को लीड दिलाकर विधानसभा भेजा जाएगा। इसके लिए मंडल को और ज्यादा मजबूती से काम करना होगा। जयराम के मायने यह समझने वाले हैं, क्योंकि पार्टी प्रभारी मंगल पांडे के साथ हुई बैठक में मंडल पदाधिकारियों ने उपचुनाव में बाहरी प्रत्याशी का विरोध दर्ज करवाया था। जयराम ने उसी के अनुरूप अब मंडल पर ज्यादा बोझ डाल दिया है। सिद्धवाड़ी के जोरावर स्टेडियम में हुई लाभार्थी रैली के बहाने सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला उपचुनाव की ताल ठोक गए हैं। साथ ही धर्मशाला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 20,000 से अधिक मतों से जीत दिलाने का भी टारगेट दे गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए उपचुनाव में लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता ने जो जीत लोकसभा चुनाव में दिलाई है, वही शानदार जीत विधानसभा उपचुनाव में भी दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद किशन कपूर कांगड़ा चंबा के प्रतिनिधि बनकर विकास की गति देंगे, तो धर्मशाला से जीतकर आने वाले एमएलए धर्मशाला के विकास को रफ्तार देंगे। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वही 100 दिन में बेहतर काम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को भी बधाई दी। इस लाभार्थी कार्यक्रम के इस आयोजन में आप सब यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाएं हम नहीं शुरू करने वाले हैं, वो शुरुआत होगी उसके लिए जिक्र करने के लिए फिर से आएंगे। मैं यही आपके बीच में कहना चाहता हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ, आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अभी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ में धर्मशाला में उपचुनाव भी होगा। धर्मशाला के किशन कपूर जी दिल्ली चले गए, सांसद बन गए, बड़े आदमी बन गए, और हमको विधायक भी यहाँ पर चाहिए, साथ करने वाला आदमी चाहिए, सहयोग करने वाला आदमी चाहिए। मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए यहाँ आज आपके बीच में हूँ कि एक साथी चाहिए, पक्का साथी चाहिए, मजबूत साथी चाहिए, साथ चलने वाला साथी चाहिए। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। किशन कपूर जी सांसद के रूप में धर्मशाला और पूरे कांगड़ा लोकसभा, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र का विकास की चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और धर्मशाला के लिए एक सांसद के रूप में किशन कपूर जी का योगदान हमेशा रहेगा रहेगा। और साथ में एक नया साथी तलाश करके एक विधायक का भी उसमें योगदान होगा, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आप सबका समर्थन चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, इस बात का जिक्र मुझसे पहले यहाँ पर किया, क्योंकि आपकी बात जीत ही नहीं, शानदार जीत चाहिए। जैसी जीत लोकसभा के चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद से मिली, ऐसी जीत विधानसभा के चुनाव में भी हमको इस बार आपके यहाँ से चाहिए। इस निवेदन के साथ मैं आप सबके आभार करता हूँ। लोकसभा के चुनाव में आप सबका सहयोग समर्थन मिला, और लाभार्थी कार्यक्रम में जितने भी हमारी बहनें भाई यहाँ पर बैठे हैं, तो लाभ छोटा मिला बड़ा मिला, लेकिन उसके बावजूद एक मन में इच्छा थी कि आप सबके दर्शन करें, जहाँ जिस योजना के माध्यम से आप लाभान्वित हुए, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबके दर्शन करने की इच्छा थी, आप सबके दर्शन आज हुए, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं यहाँ के प्रशासन का भी आभार व्यक्त कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दूसरी बार सरकार बनने के बाद 100 दिन का कार्यकाल किया। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से
अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज जब हम आपके बीच में यहां पर जिस कार्यक्रम के माध्यम से आप से भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जनादेश आपने इस लोकसभा के चुनाव में दिया। हर जगह जीत, 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में जीत और कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र की जीत, ऐतिहासिक जीत, 4,70,000 वोटों से आपने जीत हासिल की, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों को देख रहा हूँ, मुझे ये आज संतोष हो रहा है कि राज्य की जनता ने जिस आशीर्वाद के साथ, जिस सोच के साथ, स्वर्णिम हिमाचल के सोच के साथ 2017 में जनादेश दिया था, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार उस स्वर्णिम हिमाचल के सोच को जमीन पे उतार रही। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हम सब लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने कार्य योजना को जनता के सामने रख रहे थे, जिसे मैनिफेस्टो हम लोग कहते हैं, जिसे दृष्टि पत्र कहते हैं। और जब दृष्टि पत्र हम लोग तैयार कर रहे थे तो मुझे याद है ये स्वर्णिम शब्द शांता कुमार जी का ही दिया हुआ। बैठक में चर्चा हो रही थी, शांता जी ने कहा 50 साल पूरे हो जाएंगे 2022 में हिमाचल के गठन के, हमें हिमाचल की जनता को ये वादा करना चाहिए कि जब हिमाचल के गठन का 50 साल पूरा होगा तो वह हिमाचल स्वर्णिम हिमाचल होगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सरकार जो काम कर रही है वह स्वर्णिम हिमाचल के तरफ कदम बढ़ा रही है और 2022 तक जो लक्ष्य काम के हम लोगों ने तय किए हैं उन कामों को पूरा करेंगे। भारत की सरकार ने भी बहुत सारे लक्ष्य तय किए हैं, चाहे वह सड़क, बिजली, आवास, जन सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जिन लक्ष्यों को तय किया है हम उन लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से सभी लाभार्थियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अवसर दिया, तभी हम वह लाभ आप तक पहुंचा पाए। आज विभिन्न योजनाओं का लाभ जो आपको मिला है उसका अनुभव अनुभूति आपको हुई है और आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए हम सब लोगों के बीच आए हैं और आई हैं। आप सब लोग जो आए हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को आज मिल रहा है, निश्चित रूप से यह आशीर्वाद फलीभूत होगा। हम आगे और मेहनत के साथ काम करेंगे। इन 100 दिनों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 100 दिन हैं, उसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिस काम का इंतजार इस देश की जनता को 70 वर्षों से था, वह काम हुआ है धारा 370 की समाप्ति, वह काम हुआ है 35A की समाप्ति। और ये 70 साल से जिस निर्णय का इंतजार हिमाचल वासियों को था, देशवासियों को था, वह निर्णय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार उपस्थित जनसमूह ताली बजा के अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दें।